नमस्कारम। जीरा अर्क, जीरा गरम तर है, इस वजह से ये अंदर शरीर में कहीं पे भी कोई अल्सर हो जाए, कोई जख्म हो जाए, तो जीरे का अर्क पी पी करके आप ठीक कर सकते हैं। संग्रहणी हो जाए, आपको दस्त बार बार आ रहे हैं, जीरे का अर्क पी के ठीक कर सकते हैं। मोशन आ रही है, बार बार प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन चिकनापन आ रहा है, आप जीरा का अर्क पी के ठीक कर सकते हैं। कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही, कभी खाना पच रहा है, कभी नहीं पच रहा, आप जीरा का अर्क पी सकते हैं। हालांकि इसमें बराबर मात्रा में सौंफ का अर्क मिलाया जा सकता है, साथ ही साथ उसमें इक्वल मात्रा में गाव जवान का अर्क मिलाया जा सकता है, तीनों को एक साथ मिला के भी लिया जा सकता है। पर फिर भी जीरा अर्क बहुत अच्छा है जिनको भी पेट की कोई भी समस्या, एसिडिटी में, आपको मैंने शुरू में ही बोला जीरा अर्क, जीरा गर्म है, आप बोलोगे एसिडिटी में गर्म सूट करेगा, बिल्कुल करेगा, ये यहाँ पे ठंडक दे देगा आपको, और अंदर पेट में जा करके जहाँ पेट में खाना पचाना चाहिए उसमें अग्नि ऐड कर देगा। दोनों स्थितियों में जीरा बड़ा अच्छा है, गर्मी हो या सर्दी हो, कफ हो या ना हो, तो जीरे का अर्क निरापद है। हालांकि जीरा जीरा बार बार एक्सेस में उनको नहीं देते जिनको यूरिक एसिड रहता है, बाकी लोग जीरे का अर्क बड़े शौक से पी सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। 4 चम्मच लेकर के छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है, पेट में दर्द हो गई एकदम, रात के वक्त है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार भी इसको पिलाया जा सकता है इन अर्कों को, क्योंकि ये आपको लाइट असर करते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और आपको खुश ही फील होगा, अच्छा फील होगा लेने के बाद, ताकत की कमी नहीं आने देते अर्क। तो आप बड़ा व्यक्ति तो 1/4 कप दिन में 2-3 बार पी सकता है। किसी को किसी भी वक्त अगर कोई पेप्टिक अल्सर या कोई छोटी आंत, बड़ी आंत, कहीं पे भी अल्सर हो रहा है, तो आप जीरे का अर्क रेगुलर पीना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नमस्कार।